चुनाव करीब आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी यही करेगी। अभी मेहरौली में बताते हैं लगभग 700 वर्ष पुरानी मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया, और हल्द्वानी में पिछले वर्ष भी समस्या रही है, लेकिन अब ये करेंगे ही इसलिए कि चुनाव करीब है। तो इसके द्वारा एक मैसेज भेजने का काम करते हैं कि देखो मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं, ताकि लोग रोजगार का, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बातों से उनका ध्यान बट जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। ठीक है। दूसरा सवाल सर ये है कि कल आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने असम के 3 लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। 13 फरवरी को फिर पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है आम आदमी पार्टी की, जिसमें हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों पर निर्णय हो सकता है। तो इंडिया अलायंस की फिर महत्ता क्या रह जाती है, जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को बुनना और बनाना चाहती है? रीजनल फोर्सेज बातें तो एक साथ रहने का करती है, लेकिन उसकी जो प्रतिबद्धता है वो इंडिया अलायंस के प्रति कमतर दिखता है कांग्रेस। नहीं, हमारी कोशिश रहती है, हमने फ्लेक्सिबल रवैया भी अपनाया है, लेकिन जहाँ संभव नहीं है वहाँ हम फ्रेंडली कंटेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंडली कंटेस्ट करना भी हित में ही है हमारे, और यह भी सच्चाई है कि ईडी का, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बहुत है कि गठबंधन छोड़ें, और छोड़वाया भी गया है और तोड़ी गई ही सरकार। तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है, न कि केवल कांग्रेस की, जनतंत्र के लिए वो भी सेक्रीफाइस करें और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए वो भी आ गए हैं, और सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर फैब्रिक है हमारे देश के गवर्नेंस का, वो बचा रहे। तो केवल कांग्रेस की ही जिम्मेदारी नहीं है, ओरिजिनल की भी जिम्मेदारी बनती है।